नमस्कार सभी देशवासियों को नए साल के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 आपके जीवन में खुशियां लाए, नए सुख संवाद लाए, बस भगवान से ही प्रार्थना है। आप तमाम लोग खुश रहें। बड़े बुजुर्ग को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और नए साल की शुभकामनाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी रविवार सुबह हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ पहुंचे और वहां मुस्लिम धर्मगुरु पीरजादा तोहा सिद्दीकी के बेटे अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। बताते चले कि AIMAM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और इस संदर्भ में जनवरी महीने में उनका पश्चिम बंगाल आने का कार्यक्रम तय था। अब्बास सिद्दीकी के साथ असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हाल ही में अब्बास सिद्दीकी ने भी राज्य के तृणमूल सरकार के खिलाफ बयान देते हुए एक अलग दल बनाने का ऐलान किया था, लेकिन सूत्रों से मिल रही खबर के अनुसार AIMAM चीफ असदुद्दीन ओवैसी यह चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में अब्बास सिद्दीकी AIMAM का समर्थन करें। पिछले महीने ही पश्चिम बंगाल के 24 अल्पसंख्यक नेता हैदराबाद गए थे और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुलाकात की थी। उसके अगले दिन ही असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी की तीव्र आलोचना भी की थी। फुरफुरा शरीफ का सिद्दीकी परिवार भी पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक वोटों को प्रभावित करता है, इसलिए राजनीतिक विश्लेषक असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी की मुलाकात को पश्चिम बंगाल की राजनीति में बेहद अहम बता रहे हैं। साथ काम करेंगे, उनके पीछे रहकर काम करेंगे और अब्बास सिद्दीकी साहब जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले का उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। जो भी अब्बास सिद्दीकी साहब फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे, MIM पार्टी उनके साथ खड़े रहेंगी और फ्यूचर में क्या करना है, कैसा करना है, अब्बास सिद्दीकी साहब आपको बाद में बताएंगे। देखिए, हम लोग जैसे देखे हैं मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सब जगह में ऑलरेडी नीम है, नीम का संगठन है। जाने वाला 2021 सबका अच्छा हो, मंगलमय हो, यही शुभकामना करते हैं कि 2020 को हम लोग भूलना चाहते हैं और 2021 माँ की कृपा से सबका अच्छा चले, यही कामना करता हूँ। मैं संतोष कुमार सिंह, वाइस प्रेसिडेंट, श्रीरामपुर शहर तृणमूल कांग्रेस।